Students, today we will discuss the next topic in clarification and filtration. The next topic is filter media. हमने पहले जो definitions थी उनमें discuss किया था कि what is filter media या फिर filter cake, filtration. अब हम लोग इसको detail में describe करेंगे. What is filter media? The surface upon which solids are retained by the process of filtration. Retained in the process of filtration. उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्टर मीडिया. फिल्टर मीडिया क्या है? एक ऐसे जो है मीडिया है जिसपे जो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो तो हमारा उसके ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड है वो उसमें से सेपरेट हो जाता है. उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्टर मीडिया. जैसे एग्जाम्पल छलनी, हमारी जो छलनी है उसमें जो चाय पत्ती वगैरह उसके ऊपर ही रह जाती है और जो लिक्विड है वो नीचे सेपरेट हो जाता है. वहाँ पर जो छलनी है वो हमारा क्या काम करते हैं? फिल्टर मीडिया का. फिल्टर मीडिया क्या है? द सरफेस अपॉन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स. जो हमारे पास फिल्टर मीडिया है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. फर्स्ट वन, इट शुड बी फ्री फ्लो ऑफ लिक्विड. कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जिसमें से जो हमारा लिक्विड है वो फ्रीली फ्लो कर सके, उसमें कोई भी वहाँ पर रुकावट नहीं होनी चाहिए उसको फ्लो करते टाइम. सेकंड, इट शुड बी स्मूथ सरफेस फॉर द डिस्चार्ज, इजीली डिस्चार्ज ऑफ फिल्टर केक. कि जो हमारा फिल्टर मीडिया है उसका सरफेस क्या है? स्मूथ होना चाहिए कि जिसमें से जब हमारा जब इस पर फिल्टर केक बने उसको हम लोग ईजिली डिस्चार्ज कर सके. ये ना हो कि जो सरफेस है हमारा वो स्मूथली नहीं है, उसमें जो हमारा फिल्टर केक है वो उसमें ही रह जाता है, प्रॉपरली उसमें से क्लीन नहीं होता. इसलिए सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए जिससे जो फिल्टर केक है वो इजीली जो है वो डिस्चार्ज हो. नेक्स्ट है, थर्ड है, रेजिस्टेंट टू क्रोसिव एक्शन ऑफ लिक्विड. इट शुड बी एबल टू रेजिस्टेंट टू क्रोसिव एक्शन ऑफ लिक्विड. जो हमारे क्रोसिव लिक्विड्स हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ इसको कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर हम लोग मान लो कोई केमिकल डाल लेते हैं उसमें हमारा जो फिल्टर मीडिया है, ये ना कि उस केमिकल के कारण जो हमारा फिल्टर मीडिया है वो आपस में रिएक्शन कर जाए. इसलिए वो जो क्रोसिव एक्शन ऑफ लिक्विड है उनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए. नेक्स्ट है केमिकली इनर्ट. फोर्थ पॉइंट है जो इसका हमारे पास, इट शुड बी केमिकली इनर्ट. केमिकली इनर्ट होना चाहिए हमारा फिल्टर मीडिया. जैसे एग्जांपल है, अगर हम लोग जो छलनी लेते हैं चाय को करने के लिए, उसमें अगर हमारी चाय ज़्यादा हीट है, ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा गर्म बॉयल हो रही है, अगर उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए छलनी में डालेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो प्लास्टिक की पोर्स बने हुए हैं वो खराब हो जाए, वो गल जाए वहाँ पर या मेल्ट हो जाए, वो तो फिर हमारे किसी यूज़ की नहीं रहेगी. इसलिए जो हमारे पास उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या केमिकली जो इनर्ट है, केमिकली जो इनर्ट होना चाहिए और जो हमारे पास जो फिल्टर मीडिया उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होना चाहिए. कि अगर कोई भी हम लोग जो स्ट्रॉन्ग लिक्विड उसमें डालेंगे तो उससे जो हमारा फिल्टर मीडिया है वो डिटेरियोरेट ना हो, वो उसमें के साथ टूट ना जाए या फिर उसके साथ जो है वो जो उसकी वायर्स है, अगर हम मेटल की है स्टील की है वायर्स है तो वो उससे ब्रेक डाउन ना हो जाए. ये थे उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप. जो फिल्टर मीडिया के टाइप, कौन कौन से फिल्टर मीडिया है जो हम लोग यूज़ करते हैं, या उससे पहले हम लोग करेंगे सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया. जो हमारे पास फिल्टर मीडिया है उसका जो सिलेक्शन है वो हम लोग कैसे करेंगे. सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया, सिलेक्शन हमने जो फिल्टर मीडिया यूज करने हैं अपने किसी भी प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम लोग कैसे उसकी सिलेक्शन करेंगे. फर्स्ट वन हम लोग उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल को हमने सेपरेट करना है, फिल्ट्रेट करना है, उसकी क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसके लिए हमें ज़्यादा सरफेस वाला जो फिल्ट्रेट एंड फिल्टर मीडिया है वो यूज़ करना है। अगर कम क्वांटिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो फिल्टर मीडिया है उसे यूज़ करना है। सेकेंड है पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि हम किस पर्पस के लिए फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। जो हमने फिल्ट्रेशन करनी है उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, उसको हमें ध्यान में रखना है कि किस हमने क्या कोई मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, किसी हमने कोई जो है आगे प्रोसेसिंग करनी है, या फिर हमने कुछ से फूड से रिलेटेड जो फिल्ट्रेशन करनी है, किस टाइप के हमने फिल्ट्रेशन करनी है उसको हमें ध्यान में रखना है। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ जो है प्रोसीजर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि किस टाइप का हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, विस्कस टाइप का हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है, किस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल्टर मीडिया का हम लोग यूज करेंगे। अगर सॉलिड है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे उसके पोर साइज है साइज को, अगर लिक्विड है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो फिल्टर मीडिया उसके पोर साइज को यूज करेंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ पार्टिकल। अब साइज ऑफ पार्टिकल में हमारे पास है कि जो हमारे पास मटेरियल है वो कोर्स पार्टिकल है, उसके मीडियम पार्टिकल है, या फिर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स है, कि किस टाइप के पार्टिकल्स है हमारे सब्सटेंस के जिसको हमने फिल्ट्रेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा फिल्टर मीडिया है उसका पोर साइज लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास पोर साइज के जो फिल्टर मीडिया वो यूज होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, उनकी पोर साइज के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या है फिल्टर मीडिया का चूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो सिलेक्शन के बाद है कि फिल्टर मीडिया कौन कौन से टाइप के ग्रेड्स के फिल्टर मीडिया जो है वो हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट वन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो फिल्टर मीडिया है उसके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। फर्स्ट वन है हमारे पास जैसे एग्जांपल फिल्टर पेपर, में चले जाते हैं, इसलिए जो है कॉटन वूल को भी हम लोग जो
कम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके जो फाइबर्स हैं, हेयर्स हैं, वो जो है प्रेपरेशंस में चले जाते हैं फाइन होने के कारण। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लास वूल। जो ग्लास वूल हम लोग यूज करते हैं, ये मेनली हमारे पास जो ग्लास है उसके फाइन ग्रेड्स होते हैं। फाइन ग्रेड्स है, फाइन जो साइज पार्टिकल साइज होते हैं ग्लास की, जिनमें से हम लोग हमारे जो क्रोसिव लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। क्रोसिव लिक्विड्स में जैसे हमारे पास हम लोग इसमें सेपरेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एंड ऑक्सीडाइजिंग जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसमें एग्जांपल है जैसे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए फिर जो फिल्टर मीडियम यूज करेंगे वो है हमारा ग्लास बूल। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ है अवेस्टोस। जो अवेस्टोस है होता है, ये हम लोग मेनली जो ग्रेविमेट्रिक हमारे पास एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो फाइन पार्टिसिपेट्स हैं, फाइन जो पार्टिसिपेट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग अवेस्टोस का यूज करेंगे। फिफ्थ है हमारे पास फाइन म्यूसिलिन। नेक्स्ट है फिल्टर क्लोथ। इसमें जो फिल्टर क्लोथ है इसमें हम लोग सिंथेटिक और जो कॉटन है बोथ टाइप के क्लोथ्स का यूज करेंगे। जो हमारे फिल्टर प्रेस है जो हम लोग आगे इसी चैप्टर में जो हमारे इक्विपमेंट्स में स्टडी करेंगे, जो फिल्टर प्रेस है हमारे पास उसमें सिंथेटिक और कॉटन दोनों टाइप का फिल्टर यूज होता है। सिंथेटिक में हमारे पास नाइलोन के जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर मीडिया वो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सिंथेटिक के फिल्टर मीडियाज हैं उनमें जो केमिकली रिएक्शंस हैं वो कम होती हैं। अब जो फिल्टर क्लोथ्स हैं इसमें जो कॉटन के हमारे पास क्लोथ्स हैं या सेमी सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। ये मेनली हमारे पास जो है एवरी जो इक्विपमेंट है हमारे फिल्टर से रिलेटेड उसमें हम लोग इनका यूज करेंगे, फिल्टर क्लोथ्स का। उससे जो प्रॉपरली हमारी जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन होगी, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर। सेवन पॉइंट हम लोग यहाँ करेंगे डिस्कस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं इनका। जो हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर्स है इनको हम लोग यूज करेंगे टू रिमूव द बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर को रिमूव करने के लिए हमारी प्रेपरेशंस में। नेक्स्ट है सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर। सिंट्रेटेड ग्लास फिल्टर्स हैं इनको हम लोग
अदर जो बोल देते हैं, ये मेड अप होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से। इनका मेनली हम लोग जो यूज़ करेंगे वो करते हैं प्रेडमल प्रिपरेशंस को फिल्टर करने के लिए। इसमें जो अलग अलग इनके पोर साइज हैं, ग्रेड्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, जो सेंट्रेटेड ग्लास फिल्टर है। ये बोरोसिलिकेट से ग्लास से प्रिपेयर होती है। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस है वो कम, जो केमिकली इनर्ट ये ग्लास फिल्टर होता है, इसलिए इसमें से हम लोग जो प्रेडमल प्रिपरेशंस हैं उनको फिल्टर करते हैं। ये तो हमारा टॉपिक फिल्टर मीडिया। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम लोग जो इसका अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो है फिल्टर एड। फिल्टर एड क्या होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया फिल्टर मीडिया, जिसमें हम लोग जो है अपना जो सब्सटेंस है उसको सेपरेट करते हैं। जो हमारा फिल्टर केक है वो उस फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन रह जाता है। किसी भी लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए जो मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं फिल्टर मीडिया। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्टर एड क्या है। सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्ट्रेट टू फ्लो। जो हमारे पास ऐसे सम सब्सटेंसेस हैं जो हमारे जो फिल्ट्रेट है उसकी रेजिस्टेंस को, उसके फ्लो को कम करने के लिए, उसके फ्लो में जो रुकावटें आ रही हैं उनको कम करने के लिए हम लोग जो एड्स यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो हमारे फिल्टर एड। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल है यहाँ पर लेंगे, कोई सब्सटेंस हमने जो है वो फिल्टर करना है, उस फिल्टर को करते टाइम हमारे जो पोर्स हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर है, अगर वाटर में से हम लोग जो है सैंड को या रेत को या मिट्टी को उसमें से रिमूव करना है, हमारा जो है मीडियम है उसमें से वाटर में मिट्टी मिक्स है या रेत मिक्स है, अगर जब हम लोग उसको जो सेपरेट करने लगेंगे तो जो हमारे पोर्स मीडियम के पोर हैं, जो शेद हैं, जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। वो ब्लॉक ना हो उसके लिए हम लोग उसके बीच में कंकर डाल देंगे, जो ब्रोकन स्टोन्स हैं स्टोन डाल देते हैं, जो छोटे छोटे कंकर्स हैं वो डाल देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे पोर्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे और जो हमारा फिल्ट्रेशन है, जो मीडियम जो लिक्विड है वो कंटिन्यूसली बिना रुकावट के उसका फ्लो होता रहेगा, वो होते हैं हमारे फिल्टर एड। फिल्टर एड क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्ट्रेट टू फ्लो इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। दीज आर एडेड टू द प्रेपरेशन इन द कंसंट्रेशन फॉर्म। इसमें जो हम लोग ये प्रेपरेशन ऐड करते हैं फिल्टर एड, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 से लेके 0.5% तक हम लोग बिफोर फिल्ट्रेशन करने से पहले इन फिल्टर एड को उस प्रेपरेशन में डाल देते हैं कि जिससे जो हमारे पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हो और जो हमारे मटेरियल है वो उन पोर्स में ब्लॉक ना हो और कंटिन्यूसली जो हमारा लिक्विड है वो फ्लो होता रहे। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास आइडियल क्वालिटीज कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं फिल्टर एड। फर्स्ट वन है हमारे पास इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज कि इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें हमारे फिल्टर एड में इम्प्योरिटीज होगी तो वो एक तो सोल्यूशन में हमारे लिक्विड में चली जाएगी, दूसरा उस इम्प्योरिटी के कारण हमारा जो सब्सटेंस है, जो हमारे प्रेपरेशन है वो खराब हो सकती है। सेकेंड, इट शुड बी एबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड कि जो हमारे फिल्टर एड है वो हमारे लिक्विड में सस्पेंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि वो लिक्विड को जो फ्लो कर रहे उसके साथ ही चला जाए, वो उसी में सस्पेंडेड रहना चाहिए हमारा जो मटेरियल है कि इजिली वो फ्लो करने दे लिक्विड को।
नेक्स्ट है इट शुड बी इनर्ट टू लिक्विड बीइंग फिल्टर्ड, कि कोई भी लिक्विड्स के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकली जो हमारा फिल्टर एड है वो इनर्ट होना चाहिए. नेक्स्ट है इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर दैट परमिट फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर. जो हमारे पोर्स साइज है, जो हमारा पोर्स केक है, उसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो फॉर्मेशन है, जो हमारा जो फिल्टर मीडिया के ऊपर केक बन रहा है, फिल्टर केक बन रहा है, उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये ना हो कि हमने फिल्टर हेड डाल दिया जो, और फिल्टर केक है जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं बन रही, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, ऐसा उसमें कोई भी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट इसमें हमने जो स्टडी किया, एक तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए फिल्टर हेड. सेकेंड इट शुड बी एबल टू रिमेनिंग सस्पेंडेड इन लिक्विड, केमिकली इनर्ट होना चाहिए. फोर्थ जो हमारा फिल्टर केक है उसकी स्ट्रक्चर है जो, उसकी फॉर्मेशन को परमिट रखना चाहिए, ये ना कि फिल्टर केक के ऊपर इफेक्ट पड़े. नेक्स्ट हमारे पास इसके मेन ऑब्जेक्टिव. अब जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा फिल्टर एड को यूज करने का, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द ब्लॉकिंग. एक तो जो हमारे लिक्विड की फिल्ट्रेशन है उसमें ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करना. सेकंड इट मस्ट एबल विद लाइट पोर्स एंड इनर्ट. एक तो ये हमारा जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ब्लॉकिंग को हमने पर जो है कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है. सेकंड जो हमारे पास फिल्टर एड है वो केमिकली इनर्ट, लाइट और पोर्स होने चाहिए. इनका हम लोग जो मेनली यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में टर्म पढ़ी थी क्लैरिफिकेशन, जो इसमें भी है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में, मेनली हम लोग जो इसका यूज करते हैं फिल्टर एड का, वो जो हमारे पास क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस होते हैं उनमें यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल हमारे पास फिल्टर एड कौन कौन से आ जाते हैं, एग्जाम्पल है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, सेलुलोज, एबेस्टोस, ये हमारे कैम जो है फिल्टर एड है, टैल्क, क्योलिन, ये फिल्टर एड है जिनको हम लोग लिक्विड के फ्लो में कंटिन्यू करने के लिए, उनमें जो फिल्ट्रेशन करते टाइम अगर कोई भी ब्लॉकिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. अब जैसे एग्जांपल है हम लोग सेलुलोज है, सेलुलोज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. जो हम लोग सेलुलोज है उसको हम लोग यूज करेंगे फिल्टर एड की फॉर्म में. इसके एडवांटेजेस क्या हैं सेलुलोज के, इट इज हाईली प्योरिटी, जो एक्सीलेंट इसकी जो केमिकली रेजिस्टेंस है, जो केमिकल रेजिस्टेंस है इसका वो एक्सीलेंट है, और ये हाई प्योरिटी देता है अगर हम लोग इसको फिल्टर एड की फॉर्म में यूज करेंगे. बट डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव केमिकल, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केमिकल है, इसलिए हम लोग जो इनका यूज़ बहुत कम करते हैं. मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट एड में वो है एक्टिवेटेड चारकोल्स का, जो इजीली अवेलेबल होता है, उसके कोई जो केमिकल इनर्ट रिएक्शन नहीं है, जो केमिकली इनर्ट है और चीप फॉर्म में, ज़्यादा जो कॉस्टली नहीं है. ये था हमारा टॉपिक फिल्टर एड. इन दिस लेक्चर स्टडी डिस्कस किए थे हमने फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर एड. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.